Hi, my name is Ajit Harpude. I am from a Pune village called Mutha. As a person, jab actually Kavi sir se interactions hue, and then I felt like ki wo hota hai na philosophically ki aapko ek guru mil jata hai. So he is a kind of person. He is a good mentor basically. He will encourage you. फर्स्ट टाइम जब यंत्रा ज्वाइन किया था तो ऐसे लगा कि अभी मुझे कुछ तो एक पेपर पे लिख के देंगे कि ये तुम्हारा टू डू लिस्ट है और ये तुम्हें करना है और नेक्स्ट डे आके पूछेंगे कि हुआ या नहीं हुआ. सो यहाँ पे तो वर्ल्ड कल्चर टोटली डिफरेंट है. लाइक इट इज़ अप टू यू कि तुम्हें वो कैसा कौन सा प्रोसेस लाइक हाई लेवल गोल्स है टारगेट है कि तुम्हें ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन हाउस बनाना है या ग्रीन हाउस को एस्टेब्लिश करना है बट उसके अंदर फिर अभी मुझे हाइड्रोपोनिक ही करना है या मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करना है तो उसके लिए ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. यहाँ पे आने के बाद रियलाइज हुआ कि यंत्र इज समथिंग एल्स. ये तो पूरा पैन इंडिया इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं एंड ये लोग एक्चुअली वर्ल्ड में कुछ तो डिफरेंस लेके आने का बात कर रहे हैं. मुझसे जो एक्सपेक्टेशंस थे आई एम फ्रॉम अकाउंट्स बैकग्राउंड राइट. तो एडमिन वाला वर्क करो या अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी स्टफ है वो सब हैंडल करो. तो वो भी अगर मैं करता था तो उतने में दैट वुड हैव बीन लाइक कि हाँ ठीक है इतना तो ये सेटिस्फाइड वर्क है. बट आई थॉट कि नहीं ये सब तो ये तो कोई भी कर लेगा. Let's learn things and let's do something differently. They knew ki mera technical background nahi hai to they used to explain me in details ki ye cheeze aise hoti hai uske examples dete the aur wo encourage karte the ki bhai tum ye seekho aur ye help hoga hame future mein kaam ke bare mein ya kuch seekhne ke bare mein baat karte rehte continuously कि कुछ सीखना है और कुछ नया करके दिखाना है. पीपल हु आर वर्किंग इन यंत्रा जो लोग एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो टीचर्स है जो यंत्रा लैब में है वो जो पूरा पूरा होल थिंग है इट इज़ अ यंत्रा फैमिली. हमने एक आईआईटी में ही एक छोटा पॉलीटनल टाइप का एक ग्रीन हाउस बनाया. सो उसमें हमने फैन पैड सिस्टम लगाया था फॉगर्स थे इरीगेशन सिस्टम था और उसको बेसिकली डोल स्टार्टर से ऑटोमेट कर दिया था. बेसिकली वायरिंग से लेके इरिगेशन जो भी ले करते हैं या ग्रीन हाउस में एक्चुअली जो पॉली टनल या पॉली हाउस जो इरेक्ट करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो सब सीखने को मिला. तो एक स्टूडेंट के साथ में हमने एक इंडोर फार्मिंग या डेस्क फार्म बुला सकते हैं उसको एक ग्रो बॉक्स बनाया. ग्रो बॉक्स में आप एक्चुअली लेट्यूस और स्पिनच ये ग्रो करके हमने देखा और रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ग्रो लाइट्स का ज़रूरत नहीं है. यू कैन पुट अ सस्ता वाला अपना फ्लड लाइट और उसके थ्रू भी आप ग्रो कर सकते हैं. बीइंग अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड स्टिल आई कैन रीड पाइथन कोड यू कैन से. जो भी वो ऑटोमेशन सिस्टम्स थे उसमें बहुत सारा चीज़ें एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के बारे में भी सीखने को मिला. आई एम लाइक डूइंग नेटवर्किंग ऑल्सो यहाँ पे या कुछ पीसीज में कुछ इश्यूज आते हैं तो वो भी इनिशियल डेज में हम लोग वो रिजॉल्व करते थे. वहाँ से लेके लाइक अभी आई कैन टेल यू कि एक्सेल में आई एम काइंड ऑफ एडवांस वैसे यूज़ कर सकता हूँ. स्मॉल स्मॉल पाइथन में अगर कुछ स्क्रिप्ट लिखना है तो आई कैन राइट पाइथन का स्क्रिप्ट एंड बेसिक लिनक्स और वो सब जो टेक्नोलॉजीज़ है वो यूज़ किए हैं यहाँ पे आने के बाद. पहले तो जस्ट सीखने के लिए फोटोशॉप या एडोबी ये सब टूल्स सीखे थे बट यहाँ पे आके एडिटिंग किया या कुछ पोस्टर्स बनाए तो वो क्रिएटिविटी को भी यंत्रा एनकरेज करता है एंड एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आया है यंत्रा मुझ में. एक्चुअली ऐसे लगता है कि मतलब अभी अभी कुछ भी कर सकते हैं. अगर कुछ भी काम दो तो उसके लिए ऐसा
ये मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे नहीं है. आई कैन लर्न थिंग्स एंड आई कैन ट्राई दिस आउट ऐसे. आपको सही में कुछ करना है और कुछ एक्चुअली सीखना है तो उसके लिए यंत्रा जैसा एनवायरनमेंट बहुत 100% सुटेबल है. एज अ पर्सन आपको ग्रो होना है. यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग इन योर लाइफ, यू वॉन्ट टू डू समथिंग, सम कूल स्टफ यू वॉन्ट टू डू, तो उसके लिए आई विल एनकरेज यू टू ज्वाइन यंत्रा.